सौमित्र अमावस वट सावित्री शनि जयंती एक साथ आने से नवग्रह मंदिर पर उमड़ा जनसैलाब। किशोर के रामनगर कॉलोनी में नवग्रह मंदिर पर सुबह से ही जनसैलाब उमड़ पड़ा, जिसमें सौमित्र अमावस पर वट सावित्री व्रत एवं शनि जयंती एक साथ आने से लोगों में आस्था का सैलाब जागृत हुआ। इस अवसर पर विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जो शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक चलता रहा। इसमें सादलपुर, नागदा, देपालपुर, बंडनगर, धार वाले गांव के लोगों ने दर्शन एवं प्रसादी का लाभ लिया। नवग्रह मंदिर के पुजारी लखन जोशी ने बताया कि एक साथ तीनों आने से लोगों में जागृति आई है। वह सुबह से ही शनि मंदिर में हवन का कार्यक्रम सतत चल रहा है। इसमें सभी यह मानो कि पूजन कर यज्ञशाला में आहुति दी। इस अवसर पर रामनगर की टीम एवं कैसूर के अनेक संगठनों ने सहयोग प्रदान किया। कैसूर से अनिल परमार की रिपोर्ट। जी आज विशेष कार्यक्रम क्या है? आज तीन योग है, सौमित्र अमावस है, शनि जयंती है, वट सावित्री उत्सव व्रत है और महापर्व का दिन बहुत दिनों में आया है। अच्छा, ये आज इस उपलक्ष्य में क्या चल रहा है? भंडारा चल रहा है शनि जयंती के उपलक्ष्य में, शनि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भंडारा चल रहा है। ये मंदिर की विशेषता नवग्रह, नवग्रह मंदिर सब मनोकामना पूर्ण होती है। किस किस क्षेत्र से लोगों ने आए आज यहाँ पे? आसपास के सारे क्षेत्र के लोग आए, इंदौर जिला, धार जिला, देपालपुर जिला, नागदा तरफ, कानून, बदनावर, चोरनोक।